हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल वैशालीस क्रोशे में। आज हम ये पीकॉक फेदर राखी सीखने वाले हैं। मयूर पंख राखी बहुत सुंदर पैटर्न है, इस तरह हमने ये कॉटन थ्रेड से बनाई है। इस पैटर्न से आप ऑर्नामेंट्स भी बना सकते हैं, आप इसे इयररिंग्स, नेकलेस बना सकते हैं और भी कई डेकोरेटिव आइटम्स आप इससे बना सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न है ये। आइए स्टार्ट करते हैं। राखी बनाने के लिए हम एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स, एम्ब्रॉयडरी के कॉटन थ्रेड्स हैं ये यूज़ करेंगे। पर्पल कलर, स्काई ब्लू कलर और ग्रीन कलर यूज करेंगे हम। 1.25 mm का हुक, टेपेस्ट्री नीडल, फैब्रिक ग्लू, सीजर और ये फ्लैट मोती है ये यूज़ करेंगे हम, और ये गोल्डन बीड्स। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट राउंड हम इस कलर से करेंगे, पर्पल कलर से। मैजिक रिंग बनाएंगे, इस तरह हमने मैजिक रिंग बना ली है। चेन टू करेंगे, 1, 2 हमारा फर्स्ट हाफ डबल क्रोशे, यार्न ओवर करेंगे, हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे 2, 1 एंड 2, 2 हाफ डबल क्रोशे और ये चेन 2, 3 हाफ डबल क्रोशे हमने बना लिए। अब हम 5 डबल क्रोशे बनाएंगे आगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 डबल क्रोशे हमने बना लिए इस तरह। 2 टाइम यार्न ओवर करेंगे, ट्वाइस यार्न ओवर, ट्वाइस। अब हमें ट्रिपल क्रोशे करना है, 1 ट्रिपल क्रोशे, 1 हमें ये साइड बनानी है, दिस साइड 5 डबल क्रोशे बनाएंगे फर्स्ट, वन टू थ्री फोर एंड 5 डबल क्रोशे हमने बना लिए, 3 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे जो हमने स्टार्टिंग में बनाए थे, 3 हाफ डबल क्रोशे। वन टू एंड 3, ये हमने फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लिया हमारा इस तरह। हमने जो स्टार्टिंग में 2 चेन बनाई थी उसके सेकंड चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे, 1 चेन करेंगे और धागा कट करेंगे। इस तरह हमने फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लिया। ये धागा खींच लेंगे बीच वाला इस तरह, इन धागों को पैक कर देंगे पीछे की साइड,
बैक स्टिचेस में दोनों धागों को हम बैक स्टिचेस में हाइड कर देंगे। इस धागे का एक नॉट कर लेंगे इस धागे के, एक्स्ट्रा धागा कट कर लेंगे, कट करेंगे धागा। फेब्रिक ग्लू से हम धागे के एंड्स को ऐसे चिपका देंगे, यहाँ पे पैक कर देंगे। हमने फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लिया, ये हमारा फर्स्ट राउंड। सेकेंड राउंड हम इस थ्रेड से हम सेकेंड राउंड बनाएंगे ब्लू थ्रेड से। अब हमें थर्ड हाफ डबल क्रोशे में से हुक को पास करना है। वन टू थ्री, थर्ड हाफ डबल क्रोशे में से हम जो हमने थर्ड हाफ डबल क्रोशे बनाया था उसमें हुक इंसर्ट करेंगे और इस ब्लू कलर का लूप हम ले लेंगे, ब्लू कलर के थ्रेड का। यहाँ से एक चेन कर लेंगे, एक चेन करेंगे। अब वन टू थ्री फोर फाइव, नेक्स्ट फाइव चेन पर हम एक एक सिंगल क्रोशे कर लेंगे। फाइव सिंगल क्रोशे, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव सिंगल क्रोशे हमने बना लिए इस तरह। अब ये नेक्स्ट चेन पर हम सिंगल क्रोशे करेंगे, एक एक चेन करेंगे, अगेन एक सिंगल क्रोशे करेंगे। ये सबसे ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाला हम ट्रिपल क्रोशे जो है उसके ऊपर हम एक सिंगल क्रोशे, एक चेन, अगेन एक सिंगल क्रोशे कर लेंगे। अब नेक्स्ट एट चेन पर हम सिंगल क्रोशे करेंगे, हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट सिंगल क्रोशे हमने कर लिए। अब चेन थ्री करेंगे, वन टू थ्री, चेन थ्री का पिकॉट करेंगे इन दो स्टिचेस में से हम हुक को निकालेंगे, ये लूप को निकालेंगे और ये लूप को इस हुक पर के लूप में से निकालेंगे। ये हमारा पिकॉट हमने बना लिया। नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे। पिकॉट के बाद तीन थ्री चेन पर हम एक एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे। अब यहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसी चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे और ये राउंड कंप्लीट करेंगे। एक चेन करेंगे, धागा खींच लेंगे, कट करेंगे।
धागे को बैक स्टिचेस में हाइड करना है। बैक साइड में धागे को चिपका देंगे। इस तरह हमारा सेकंड राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। थर्ड राउंड के लिए हम ग्रीन कलर यूज करेंगे, ये वाला। ग्रीन कलर का थ्रेड लेंगे थर्ड राउंड के लिए, लास्ट राउंड हमारा। अब हम पिकॉट के बाद वाली जो स्टिचेस से वहाँ से काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, ये फोर्थ चेन है, उसमें हम हुक को इंसर्ट करेंगे और ये ग्रीन कलर का लूप खींच लेंगे वहाँ से, इस तरह। एक चेन करेंगे, नेक्स्ट चेन पर एक लूप ले लेंगे इसे और एक सिंगल क्रोशे करेंगे। टू चेन करेंगे, अब चेन टू पिकॉट बनाएंगे। चेन टू का टू पिकॉट्स बनाना है। नेक्स्ट चेन पर सिंगल क्रोशे करेंगे, अगेन चेन टू करेंगे, चेन टू का पिकॉट बनाएंगे, इस तरह। चेन टू के टू पिकॉट्स हमने बना लिए। नेक्स्ट चेन पर सिंगल क्रोशे करेंगे, अब यहाँ पे थ्री चेन करेंगे, चेन थ्री का पिकॉट बनाएंगे यहाँ पे। चेन थ्री के थ्री पिकॉट्स हमें बनाने हैं। नेक्स्ट चेन पर सिंगल क्रोशे, अगेन चेन थ्री, सेकंड पिकॉट हमारा चेन थ्री वाला। नेक्स्ट चेन पर सिंगल क्रोशे, 1, 2, 3, चेन थ्री का पिकॉट बनाएंगे, थर्ड पिकॉट। चेन टू वाले टू पिकॉट्स बनाए हमने और चेन थ्री वाले थ्री पिकॉट्स बनाए। नेक्स्ट चेन पर सिंगल क्रोशे, यहाँ पे हम फोर चेन बनाएंगे। अभी फोर चेन का एक ही पिकॉट बनाना है हमें, 1, 2, 3, 4, चेन फोर। हुक को पास करेंगे, लूप को खींच लेंगे यहाँ से, ऐसे निकाल लेंगे। ये चेन फोर वाला एक पिकॉट हमने बना लिया। नेक्स्ट चेन पर सिंगल क्रोशे करेंगे, सिंगल क्रोशे, अगेन यहाँ पे चेन थ्री करेंगे, चेन थ्री का पिकॉट बनाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट चेन पर सिंगल क्रोशे,
अगेन चेन थ्री पिकॉट, थ्री पिकॉट्स बनाने हैं चेन थ्री वाले। ये सेकंड पिकॉट हमारा। नेक्स्ट चेन पर सिंगल क्रोशे, अगेन वन टू थ्री पिकॉट बनाएंगे। चेन थ्री का थर्ड पिकॉट हमने बना लिया। इस तरह हमने चेन थ्री वाले थ्री पिकॉट्स बना लिए। नेक्स्ट चेन पर सिंगल क्रोशे करेंगे। अब हम आगे दो चेन टू वाले पिकॉट्स बनाएंगे। वन टू, यहाँ से धागे को खींच लेंगे। ये हमने चेन टू वाला एक पिकॉट बनाया। नेक्स्ट चेन पर सिंगल क्रोशे, अगेन चेन टू पिकॉट बनाएंगे। लास्ट पिकॉट बनाएंगे ये चेन टू वाला। नेक्स्ट चेन पर स्लिप स्टिच एक चेन करेंगे और धागा कट करेंगे। धागा थोड़ा लंबा कट करना है। हमने स्टार्ट किया था उस धागे को बैक साइड के स्टिच में हाइड कर देंगे। ग्लू से चिपका देंगे एंड को। हमारा पिकॉक फेदर तैयार है। अब इस थ्रेड को हम पिरो लेंगे टेपेस्ट्री नीडल में। टेपेस्ट्री नीडल की मदद से हम ये सुई को नेक्स्ट चेन में इंसर्ट करेंगे। पीछे की तरफ ले लेंगे धागा। बैक स्टिचेस में धागे को हाइड कर देंगे। धागा कट करेंगे। धागे के एंड को ग्लू से चिपका देंगे यहाँ पे बैक साइड में। हमारा पीकॉक फेदर रेडी है। अब हम इससे राखी बनाएंगे। हमने ये दो धागे एक ही लेंथ के कट कर लिए हैं, ब्लू एंड ग्रीन। एक गोल्डन बीड लेंगे इस तरह। दोनों धागों के बीच में मिडल में इन्हें इसे ले लेंगे। इसे सेंटर में से हम बैक साइड से सेंटर में से हुक को इंसर्ट करेंगे और ये चारों धागे हम चारों एंड्स इसमें से निकाल लेंगे। इसे इस तरह यहाँ पे इसे दो नॉट्स कर लेंगे। एक और नॉट कर लेंगे। इस तरह हमारी राखी हमने गोल्डन बीड हमने लगा दिया है सेंटर में। अभी चेन टू वाला पिकॉट हमने बनाया था सेकंड पिकॉट, वहाँ से हम उसमें से हम ये हुक को इंसर्ट करेंगे और इस
एंड्स को यहाँ से निकाल लेंगे, एक चेन कर लेंगे और धागा निकाल लेंगे इसे। यहाँ से धागा खींच लेंगे, इस धागे को भी हम इस सेकंड पिकॉट में से इस एंड को निकाल लेंगे। अब हम बीड्स लगाएंगे। एक फ्लैट मोती, एक गोल्डन बीड, अगेन एक फ्लैट मोती। इस तरह हम इन दोनों थ्रेड में से निकाल लेंगे इनको। इस तरह एक नॉट कर लेंगे। इसे नॉट बना लेंगे फ्लैट मोती के एकदम पास में, एक नॉट लगा लेंगे, मोती को पैक कर देंगे यहाँ पे। दूसरी तरफ भी हम सेम ऐसे ही बीड्स पिरो लेंगे और नॉट कर लेंगे। हमारी राखी मयूर पंख राखी, पिकॉक फेदर राखी हमारी रेडी है। आप ज़रूर इसे ट्राई करिए। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।